नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर द्वारा लोकसभा मुजफ्फरनगर में कराए जा रहे ब्लॉक विधानसभा व सेक्टर सम्मेलन के अंतर्गत सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा द्वारा आयोजित सपा कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी व संचालन सपा मीडिया प्रभारी साजिद हसन द्वारा किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सपा राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा प्रभारी हरेंद्र मलिक ने कहा कि सपा का गठबंधन मजबूत एकजुट है तथा भाजपा द्वारा इस मजबूत गठबंधन से घबरा कर लगातार मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए, मतदाताओं को उनके वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जनता में बंटवारा व भाईचारा तोड़ने की साजिश रची जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की तमाम कोशिशों को गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बूते विफल करके लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। पूर्व सांसद कादिर राणा ने अपने संबोधन में कहा कि जनता के हितों के लिए समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी मिलजुल कर मजबूत आवाज बन रहे हैं। जनता में भाजपा की विफलता जनता के मुंह से बोल रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर हर बूथ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक व वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा ने कहा कि भाईचारा मजबूत करके तथा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को कायम रखते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस की हर साजिश को सावधान होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव छोड़कर देश के भविष्य बदलने वाले 2024 के चुनाव को एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में ये सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, हर ब्लॉक वाइज सम्मेलन है। आज ये हमारा मुजफ्फरनगर विधानसभा का एक सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा है। ये 2024 की तैयारी को लेकर? हाँ बिल्कुल, 2024 की तैयारी को लेकर का सम्मेलन है और सभी विधानसभाओं में हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सम्मेलन किया जा रहा है, किस तरह के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, क्या क्या करना है? कार्यकर्ताओं को यही सबको समझाया जा रहा है कि अपनी सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने का काम करें, जिस बूथ पर वोट हो वो अपने बूथ को चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवा करके अपने लोगों को मजबूत करके खड़ा करें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।